नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेता सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एक दावा किया है और दावा ऐसा है जिसके आने के बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी है। दरअसल दावा ये किया गया है किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से कि सचिन पायलट का फोन आला कमान ने उठाना बिल्कुल बंद कर दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सचिन पायलट ने 50 से 60 बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को फोन किया, लेकिन उन्होंने उनका फोन रिसीव नहीं किया। देखिए क्या है पूरा मामला। दौसा के एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और कद्दावर बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया कि सचिन पायलट का फोन कांग्रेस हाईकमान नहीं रिसीव कर रही है। उन्होंने कहा कि सचिन ने प्रियंका और राहुल गांधी को दिल्ली में कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले भी सचिन पायलट के दिल्ली दौरे के दौरान इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन खुद कांग्रेस प्रभारी महासचिव अजय माकन ने इस सब पर सफाई दी थी। माकन ने कहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार नेता हैं और वो जब जिनसे चाहेंगे उनसे मिल सकते हैं। दरअसल लंबे समय से सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच टशन है। मामला है मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट मांग कर रहे हैं कि 7 से 8 पद उनके जो खेमे के लोग हैं उनको दिए जाए, वहीं सियासी नियुक्तियों में भी पायलट गुट को ज्यादा तवज्जो दी जाए। वहीं गहलोत गुट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसको लेकर लंबे समय से दोनों के बीच कह सकते हैं मनमुटाव बना हुआ है। अब ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा का जो ये बयान आया है उसके बाद साफ तौर पर कह सकते हैं कि सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। जो लंबे समय से सचिन पायलट भी कह रहे थे कि उन्हें पूरा विश्वास है आला कमान पर जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है और जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि आला कमान नाराज है सचिन पायलट से, देखना होगा कि पायलट गुट कितने वक्त तक एकजुट रह पाता है और क्या जो पायलट गुट है और अशोक गहलोत गुट है उनके बीच समन्वय स्थापित करते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूले। नमस्कार।